बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के 6.9 और 6.10 दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो 6.9 के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कैलकुलेटिव पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड्स। आपको एक पंप बताया गया जो कि 200 किलोग्राम वाटर यानी कि 2 लीटर वाटर को जब वो पंप करता है, ठीक है, और किस हाइट तक पंप किए जाते हैं, 6 मीटर के हाइट तक वो पंप करता है और 10 सेकेंड्स जो है वो लेता है ये मोटर या ये पंप। तो इस पंप की हम लोगों ने पावर कैलकुलेट करनी कि इस पंप की पावर कितनी है। तो हमें जो गिवन देता है वो हम लोग लिख लेते हैं। हमें मैस गिवन है 200 किलोग्राम और हमें टाइम हाइट गिवन है 6 मीटर और हमें टाइम गिवन है 10 सेकेंड्स और हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना, हम लोगों ने पावर फाइंड आउट करनी है इस पंप की। पावर हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है तो हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला पावर का सिंपल फार्मूला है पी इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय पर टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय पर टाइम। तो वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। वर्क की जगह पे हम फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पर टाइम लिख सकते हैं। तो फोर्स किसके इक्वल, फोर्स इक्वल होती है एम जी और एस जो है वो डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स हाइट। तो हम लोग सिंपल ये वैल्यूज पुट कर देते हैं तो पावर का फार्मूला बन जाएगा एम जी एच डिवाइडेड बाय पर टाइम। अब हम लोग इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। मैस हमें गिवन है 200, जी की वैल्यू फिक्स है 10, हाइट जो है वो हमें गिवन है 6 और टाइम जो है वो टाइम भी हमें गिवन है 10 सेकेंड्स। तो ये सिंपल कट हो जाएगा। तो पावर का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1200 वाट। पावर का यूनिट वाट होता है इसलिए सामने हम लोग को यूनिट मेंशन कर देंगे। तो हमारा 6.9 जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो गया। अब हम लोग 6.10 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 6.10 में क्या कहा गया है। An electric motor of 1 horsepower is used to run water pump. The water pump takes 10 minutes to fill an overhead tank. The tank has a capacity of 800 liters and height of 10-15 meters. Find the actual work done by the electric motor to fill the tank. Also find the efficiency of the system. आपको एक इलेक्ट्रिक मोटर बताई गई है और उसकी पावर भी आपको बता दी कि है 1 horsepower और वो कह रहे कि 10 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो टैंक को जो है वो फिल करता है। वो टैंक जिसकी कैपेसिटी 800 लीटर है, 800 लीटर कैपेसिटी है, इस टैंक को ये मोटर फिल करती है। ये मोटर इस पावर को इस 1 horsepower और 10 मिनट्स के अंदर अंदर इसे फिल करती है टैंक को। तो मोटर की जो पावर होगी, जो टाइम होगा, ये हमारी इनपुट होगी जो कि मोटर के हम पावर को यूज़ करते हुए इस टैंक को फिल कर रहे हैं। तो ये हमारी इनपुट होगी और रिज़ल्ट में हमारा क्या हो रहा है, रिज़ल्ट में हमारा टैंक फिल हो रहा है। जो टैंक फिल होगा वो हमारा आउटपुट होगा। तो हम लोगों ने इनपुट फाइंड आउट करनी जो कि हमारा एक्चुअल वर्क डन होगा और सामने हम लोग आउटपुट फाइंड आउट करेंगे जो कि टैंक फिल हुआ है वो हमारा आउटपुट वर्क डन होगा। फिर हम लोग इनपुट आउटपुट को यूज़ करते हुए एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिख लेते हैं। हमें पावर दी के 1 horsepower जो कि इक्वल होती है 746 वाट के और ये आप लोगों ने वैल्यू याद करनी, ये आप लोगों को गिवन नहीं होगी। और टाइम आप लोगों को गिवन है 10 मिनट्स, मिनट्स को आप लोग सेकेंड्स में कर ले क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स में कैलकुलेशंस करते हैं। तो मिनट्स को सेकेंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 600 सेकेंड्स आ जाएगा टाइम। और हमें कैपेसिटी बताई कि ये कैपेसिटी टैंक की, हमें कैपेसिटी बताई कि जो कि एक्चुअल जो कि वॉल्यूम है उस टैंक का वो है 800 लीटर्स, ये टैंक का वॉल्यूम है। और ये हमें हाइट बताई कि ये वो है 15 मीटर। तो ये जो हम डाटा यूज़ करेंगे पावर और टाइम, इससे हमारी इनपुट आ जाएगी और ये जो इनपुट होगी ये एक्चुअल हमारा एक्चुअल वर्क डन होगा। और वॉल्यूम और हाइट को यूज़ करते हुए हम लोग आउटपुट फाइंड आउट करेंगे, इससे हम लोग आउटपुट निकालेंगे। आउटपुट बेसिकली हमारा वो रिज़ल्ट होगा जो कि इनपुट के
इनपुट की वजह से हमें हासिल हुआ है। यहाँ के अगर आप लोग इतनी पावर यूज़ करते हैं तो आप लोगों के रिजल्ट में क्या होगा, आपका टैंक फिल हो जाएगा, तो ये आपकी आउटपुट होगी। तो इसे हम लोग का आउटपुट फाइंड आउट कर लेंगे। फिर दोनों डेटास को यूज़ करते हुए हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना, पहले हम लोग लिख लेते हैं फाइंड आउट। हम लोगों ने एक्चुअल वर्क टन फाइंड आउट करना है। वर्क टन मीन्स हम लोगों ने इनपुट फाइंड आउट करनी है और हम लोग ने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी इस मोटर की, इलेक्ट्रिक मोटर की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी। तो हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूला वर्क टर्न का फार्मूला और एफिशिएंसी। फिलहाल हम लोग पहले वर्क टर्न फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम लोग वर्क टर्न का फार्मूला लिखेंगे। पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम लोग ने वर्क फाइंड आउट करना है, तो वर्क इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हम लोग सिंपल वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पावर की वैल्यू भी हमें गिवन है 746 और टाइम जो है वो 600 है। तो सिंपल हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा वर्क आ जाएगा वर्क इज इक्वल टू 447.6 जूल। वर्क है तो इसका यूनिट जूल है, ये हमारा वर्क आ गया। ये जो वर्क है ये बेसिकली हमारे इनपुट हैं जो कि मोटर की पावर को यूज़ करते हुए हम लोग कर वाटर को पंप कर रहे हैं। तो हमारा इनपुट इज इक्वल टू एक्चुअल वर्क डन, इनपुट इज इक्वल टू एक्चुअल वर्क डन। तो यह आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू 447.6 जूल। तो यह हमारा एक्चुअल वर्क डन आ गया जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट करना था। अब जो नेक्स्ट है वो हमारी है एफिशिएंसी। हम लोगों ने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, तो एफिशिएंसी का फार्मूला लिख लेते हैं। एफिशिएंसी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, तो एफिशिएंसी का फार्मूला क्या, एफिशिएंसी इज इक्वल टू इन आउटपुट डिवाइडेड बाय पे इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। हमारे पास इनपुट तो है, एक्चुअल वर्क डन है, लेकिन हमारे पास आउटपुट नहीं है। तो पहले हमें आउटपुट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आउटपुट पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। आउटपुट क्या है, आउटपुट ये कि जब हम लोग मोटर जिसकी पावर 1 हॉर्स पावर देगी और वो 10 मिनट्स को यूज़ करते हुए टैंक को फिल करती है, तो ये इनपुट है। लेकिन जो रिज़ल्ट में हमारा टैंक फिल होता है वो हमारा आउटपुट है। तो क्या हुआ, हमारे हाइट 10 मीटर के हाइट पर जो है वो एक टैंक है जो कि फिल हो रहा है और उसके हमें पताई की कैपेसिटी 800 लीटर है। तो ये जो रिज़ल्ट आएगा ये हमारा आउटपुट होगा। मीन्स के यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी यूज़ हो रही है, तो आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो हमारा आउटपुट हम लोग निकालते हैं। आउटपुट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू MGH। तो हम लोग पहले हमें गिवन डाटा में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताई गई थी कि मैस ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। कि उन्होंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताई है कि जो 1 लीटर है वो इक्वल है 1 किलोग्राम के, और हमें 800 जो है वो लीटर वाटर बताया गया, मीन्स वाटर टैंक का वॉल्यूम बताया गया। तो 800 को हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, सो 800 लीटर्स इज इक्वल टू 8 किलोग्राम। तो ये हमारा मैस आ जाएगा वाटर का, तो मैस इज इक्वल टू 8 किलोग्राम, और हाइट हमें पीछे गिवन है, हाइट है 15 मीटर। तो ये डाटा यूज़ करते हुए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू MGH। M की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8, जी की वैल्यू फिक्स है 10, और हाइट भी हमें गिवन है 15। तो ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका यूनिट जूल आ जाएगा। तो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली, या आप ये कह लें हम लोगों ने आउटपुट फाइंड आउट कर लिया। तो हमारा आउटपुट आ गया, आउटपुट
अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एफिशिएंसी का फार्मूला यूज़ करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एफिशिएंसी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय पे इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो वैल्यूज पुट करते हैं, आउटपुट की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की, डिवाइडेड बाय पे इनपुट, इनपुट की वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई है। ये पीछे ये इनपुट की वैल्यू ये हम लोग यूज़ करते हैं, 4760 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारी कटिंग हो जाएगी, डिवीजन करके हमारा आंसर आ जाता है 26.8%। तो जो हम लोग पावर पंप इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ कर रहे हैं उसकी जो एफिशिएंसी वो 26.8% है। तो आज के न्यूमेरिकल्स हमारे कंप्लीट हो गए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7 चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।